दिस अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स इज कॉल्ड FBD. FBD का मतलब होता है अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स. फर्दर बैड. F स्टैंड फॉर फर्दर. फर्दर. ओके, वो फर्दर क्या वो भी बता दो. FBD मीन्स व्हाट? अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स. यू नो द एंट्री नाउ. What is the entry for that? FBD. FBD is same as BD. BD to debtors. Barabar. Bad debts to debtors. One effect is P&L debit and one effect is debtors miscellaneous. Comfortable. So, abhi mera debtors kitna ho gaya? Less FBD kiya maine. So debtors kitna ho gaya? 45 ho gaya. Ye 45 log bol rahe hai ki hum log paisa denge. Hum log paisa denge. तो इस साल दिस वॉज माई फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस. क्या हो गया? 5000 का डेटर ने बोला हम लोग पैसा नहीं देंगे. बैड डेट्स हो गया, मैंने रिकॉर्ड कर दिया. कोई अंदाजा नहीं था बिजनेस का, नॉलेज नहीं था मेरे को. आई वॉज अ नोवाइस. तो मेरे को 5000 का फटका लग गया फर्स्ट ईयर इन द फॉर्म ऑफ बैड डेट्स. ठीक है, अभी नेक्स्ट ईयर के लिए मैं पहले से ही प्रिपेयर करेगा. नेक्स्ट ईयर मैं समझो 70,000 का गुड सेल करने वाला. कितने का? 70,000 का गुड्स में सेल करेगा नेक्स्ट ईयर. ये मेरा प्लानिंग है. तो मेरा डेटर भी कितने का होगा नेक्स्ट ईयर? 70,000 का होगा. बराबर है? हेलो. 70,000 के डेटर होंगे. और मेरे को लगता है कि नेक्स्ट ईयर और 7,000 का डेटर पैसा नहीं देगा. और 7,000 का डेटर पैसा नहीं देगा. और 7,000 का डेटर पैसा नहीं देगा, ऐसा मेरे को लगता है. शायद नेक्स्ट ईयर 70 में से 7,000 के डेटर पैसा देंगे कि नहीं? नहीं देंगे. तो कैन आई से इट इज एंटीसिपेटेड बैड डेट्स? फ्यूचर में बैड डेट्स होएगा. अभी से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फ्यूचर में 7,000 के बैड डेट्स होने वाले. हम लोग एक रूल फॉलो करते, प्रिंसिपल फॉलो करते अकाउंट्स में, दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिज्म. क्या बोलता है कंजर्वेटिज्म? Show your losses in advance, but never show your profits in advance. So I felt ये तो फटका लग गया मेरे को. 5,000 का bad debts जेब में. Next year मेरे को लगता है 7,000 का bad debts. कितने का होगा? 7 का bad debts. I'm not sure. 6 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है. But मेरे को लगता है कितने का होगा? 7 का. तो मैं क्या करेगा? इसी साल एक अलग entry pass करेगा. ये एंट्री पास P&L टू RDD, rather NRDD 7,000. P&L टू NRDD 7,000. क्या करेगा मैं? P&L टू NRDD. What am I doing? I am creating a doubtful debt का reserve. I am creating a doubtful debt का reserve. Reserve क्रिएट करने का एंट्री का P&L को घटाया, मतलब P&L डेबिट हुआ मतलब लॉस. और वो पैसा निकाल के अलग जेब में डाल दिया. एक जेब में से निकाला, दूसरे जेब में डाला. पीएनएल को घटाया और एक प्रोविजन अकाउंट बना दिया. दैट प्रोविजन अकाउंट इज एनआरडी. क्या बोलते हैं इसको? न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. एनआरडीडी में डाल के रख दिया. ओके, और दिस एनआरडीडी इज लाइक अ लायबिलिटी. दिस एनआरडीडी इज लाइक अ लायबिलिटी. लायबिलिटी. दिस एनआरडीडी इज लाइक अ लायबिलिटी. तो पीएनएल घटा मतलब एक्सपेंस टू लाइबिलिटी. तो यू कैन रिलेट इट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. व्हाट इज द एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग. पीएनएल घटा, एक्सपेंस हुआ और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देना. यहां पे एक्चुअली देना बाकी नहीं है, अपने को कम मिलेगा. डेटर से कम पैसा आएगा, नुकसान तो श्योर है. देखो, देते हो तो नुकसान होता है, इधर मिला कम तो भी नुकसान. बट वो लॉस एस्टिमेटेड बेसिस पे 19-20 तो है. मतलब अगर 7,000 का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इट माइट बी 6,800 और 7,200. उतना तो होगा. ऐसा नहीं कि 7 का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और 0 होगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो व्हेन आई विल क्रिएट एनआरडीडी? व्हेन देयर इज सर्टेनिटी ऑफ दैट लॉस टू अकर. तो एनआरडीडी क्रिएट करने का, तो एनआरडीडी का एंट्री क्या? पीएनएल टू एनआरडीडी, दैट इज 7,000. ओके, तो हाउ विल आई घुसाफाई दिस इन माय फाइनल अकाउंट? पीएनएल डेबिट. फर्स्ट इफेक्ट इज पीएनएल डेबिट.
And what is the second effect? RDD is a liability. What is the second effect? Liability. Liability में दिखाने के जगह पे एसेट में से माइनस करके दिखाओ, डेटर में से माइनस करके दिखाओ. That is the meaning. डेटर में से माइनस करके. Debtors are assets. तो instead of showing this value on the liability side 7000, I'll subtract it from my debtors and show. मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो 79 डेटर या ये डेटर बेचूंगा तो इन्हीं को. तो मेरे हाथ में एक्चुअली 45 नहीं आएगा, 45 माइनस 7 38 ही आएगा. जो नए गुड्स बेचूंगा वो इनको ही बेचने वाला हूं. तो जो पैसा आएगा मेरे को अभी फ्यूचर में वो 45 नहीं आने वाला है, वो कितना आएगा मेरे हिसाब से 38, उसमें एड हो जाएगा नया डेटर. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट इनसे या जो भी डेटर है उनसे मेरे को 60,000 कम मिलेगा, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूं. 7,000 मेरे को फ्यूचर में बैड डेट्स होने वाला है. यू अंडरस्टूड दैट? इनको ही गुड्स बेचूंगा, इनसे ही मेरे को पैसा लेने का है, तो 7,000 मेरे को कम मिलेगा. तो मैं अभी से सोच के चल रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर मेरे को 7,000 कम मिलेगा. देखो इस साल का 5 तो गया, वो लॉस ही है, वो हो चुका है. मैं सोच रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर और 7 नहीं मिलेगा, अभी तक हुआ नहीं है बैड डेट्स. आई एम थिंकिंग दैट इट मे हैपन. तो कंजर्वेटिज्म के हिसाब से कोई भी एंटिसिपेटेड लॉस हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म स्टेट? कोई भी एंटिसिपेटेड लॉस हो उसके लिए एडवांस में प्रोविजन क्रिएट करो, उसके लिए एडवांस में प्रोविजन क्रिएट करो. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्रोविजन? नेक्स्ट ईयर एक्चुअल बैड डेट्स हुआ 8,000. नेक्स्ट ईयर एक्चुअल बैड डेट्स हुआ 8,000. आई वॉज एक्सपेक्टिंग हाउ मच? 7. लेकिन अभी एक्चुअल बैड डेट्स हो गया 8. तो 1,000 ज्यादा हो गया. अभी अगर ये एनआरडीडी नहीं होता ना, तो ये पूरा का पूरा 8,000 का बैड डेट्स वुड हैव गॉन टू पीएल, ट्रांसफर हो जाता ना लॉस. नहीं होता तो, अगर ये एनआरडीडी नहीं होता, रिजर्व नहीं होता, नॉर्मल बैड डेट्स है, तो बैड डेट्स गोज टू पीएनएल, माय बिजनेस विल फेस अ लॉस डायरेक्टली ऑफ 8,000. नाउ इसका मदद क्या हुआ एनआरडीडी का? एनआरडीडी का ये हेल्प हुआ, बीच में मैंने एनआरडीडी क्रिएट किया था लास्ट ईयर, कितने का? 7 का एनआरडीडी है मेरे पास. तो अभी व्हाट विल हैपन? दिस बैड डेट्स ऑफ 8 विल नॉट गो डायरेक्टली टू पीएनएल. 8,000 का बैड डेट डायरेक्टली पीएनएल में नहीं जाएगा, वो पहले जाएगा एनआरडीडी. एनआरडीडी विल ऑब्जॉर्ब दैट लॉस. कितना ऑब्जॉर्ब कर लेगा? 7,000 का ऑब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि रखा हुआ ही था मेरा प्रॉफिट साइड में. मैंने लास्ट ईयर कुछ लॉस नहीं हुआ था, मैंने ही एडवांस में रखा था. और 1,000 का जो एक्स्ट्रा लॉस है ना, दैट गोज टू पीएनएल. तो व्हाट इज द यूज ऑफ एनआरडीडी? एनआरडीडी एक्ट्स एज अ कुशन बिटवीन योर बैड डेट्स एंड योर पीएनएल. इट एक्ट्स एज अ कुशन बिटवीन योर बैड डेट्स एंड योर पीएनएल. तो जब भी एनआरडीडी रहता है तभी बैड डेट्स उतने से एनआरडीडी में चला जाता है और बचा हुआ बैड डेट्स गोज टू योर पीएनएल. लॉस वॉस में कोई चेंज नहीं हुआ, अपना लॉस उतना ही हुआ. एंट्रीज बताता हूँ फिर बैठेगा दुकान. लास्ट ईयर कितने का लॉस हुआ था? 5,000 का. 7 का मैंने एडवांस लॉस दिखा दिया. तो इस साल 7 का वापस लॉस नहीं दिखेगा, नेट लॉस कितना दिखेगा? सिर्फ 1. तो लॉस तो उतना ही हुआ, लॉस अमाउंट इज नॉट चेंजिंग. खाली इधर 5 और इधर 8 के बदले, इधर 5 और इधर 8, 13 का लॉस हुआ उसके जगह व्हाट हैपेंड? 12 का लॉस इन द लास्ट ईयर, 1 का लॉस इन द करंट. तो कंजर्वेटिज्म क्या करता है? कुछ जादू नहीं है, प्रॉफिट को बढ़ाता नहीं है, खाली एंटिसिपेटेड लॉसेस को एडवांस में दिखा दे. हाँ, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तुम्हारा पेपर खराब किया, तुम पेरेंट्स को आके बोल दिया कि पेपर खराब किया, मार्क्स कम आएगा, और मार्क्स कम आया, और मार्क्स कम आया, तो पेरेंट ज्यादा गुस्सा नहीं करेगा. पेरेंट को बोलेगा कुछ नहीं, एवरेज गया पेपर, और गंदा मार्क्स आया, फेल हो गया, तो जूता
ज्यादा पड़ता है. दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी. इफ यू शो गुड पिक्चर इन एडवांस एंड देन यू डू बैड, सो ज्यादा जूता पड़ता है. बट इफ यू शो बैड इन एडवांस एंड देन यू शो एवरेज टू गुड, अच्छा, दिस इज ह्यूमन बिहेवियर. दैट इज वाई अकाउंटेंसी फॉलोज कंजर्वेटिव. ये इंपॉर्टेंट है कंपनीज के लिए. कंपनीज एडवांस में लॉसेस दिखा देगा ना, शेयर होल्डर को झटका दे दिया तो इन्वेस्टर्स साल ठीक है लॉस हो गया और फिर प्रॉफिट होगा तो राजी रहा. पहले ग्लॉसी पिक्चर बताया और बाद में लॉस हुआ तो इतना शेयर का वो घटा देगा, बेच बात कंपनी का बंद होने का चांस आ सकता है. दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी. नेवर शो गुड पिक्चर एंड शो बैड पिक्चर लेटर. ऑलवेज शो बैड फर्स्ट, गुड लेटर इज फाइन और एवरेज लेटर इज स्टिल फाइन. एंट्री इज देखो इसका. फर्स्ट ईयर मेरे पास कोई एनआरडीडी नहीं था, नया बिजनेस था. 5,000 का बैड डेट्स हुआ. फर्स्ट ईयर कितने का बैड डेट्स हुआ? 5,000 का. वॉट इज द एंट्री फॉर दैट? एफबीडी बोलो या बैड डेट्स टू लेटर्स, कितना हो गया? 5,000. फर्स्ट ईयर देर वॉज नो एनआरडी. तो एफबीडी टू डेटर एंड वेर विल दिस एफबीडी गो? पीआर. तो फुल लॉस वेंट टू पीआर 5,000 बिकॉज देर वॉज नो एनआरडी. बिकॉज देर वॉज नो एनआरडी, नो एनआरडी, नो कुशन, नो लॉस अब्सॉर्बर. सो एंटायर लॉस वेंट टू पीआर. गॉट इट? नाउ आई बिकेम कॉन्शियस कि नहीं, मेरे को अगर कुछ एडवांस लॉस है तो दिखाने का, पहले से बुक्स में लॉस करके दिखा दो, बाद में नहीं हुआ तो अलग बात. तो इस साल से मैंने एनआरडीडी क्रिएट किया. कितने का एनआरडीडी क्रिएट किया? मेरे को लगता है नेक्स्ट ईयर 7,000 का बैड डेट्स होगा. कितने का? 7,000 का बैड डेट्स होगा. तो आई क्रिएटेड एनआरडीडी. एंट्री फॉर क्रिएटिंग एनआरडीडी इज दिस, पीएनएल टू एनआरडीडी इट इज 7,000. पीएनएल टू एनआरडीडी इट इज 7,000. मैंने क्या किया, अभी से लॉस दिखा दिया और ट्रांसफर करके रख दिया सेपरेट अकाउंट में. कौन से अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करके रख दिया? एनआरडीडी. कि एनआरडीडी एक छोटा पीएनएल साइड पर रखा हुआ टू ऑब्जॉर्व दैट लॉस ऑफ बैड डेट्स. ये मैंने बैड डेट्स के लॉस को ऑब्जॉर्व करने के लिए ये क्रिएट किया एनआरडीडी. वैसे ही अगर मुझे लगता है कि कोई एम्प्लॉय रिटायर होने वाला है फ्यूचर, तो वो भी पैसा लेके जाएगा, है ना, थोड़ा वीआरएस देना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, उसके लिए भी मैं पीएनएल से निकाल के थोड़ा पैसा साइड पर रख सकता हूं. उसको बोलते हैं रिजर्व फॉर कॉम्पेंसेशन. मेरे को लगता है मेरा इन्वेस्टमेंट शेयर्स में मैंने इन्वेस्ट किया, कंपनी बुरा कर रहा है, लॉस होने वाला है, लॉस होने वाला है, तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोविजन बना कर रखता हूं, पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट प्रोविजन. तो फ्यूचर में कोई भी एसेट घट रहा है तुम्हारा, फ्यूचर में कोई भी एसेट घटने वाला है, लॉस का अंदाजा है, तो यू क्रिएट अ प्रोविजन. यू ऑलवेज क्रिएट अ प्रोविजन. पीएनएल को डेबिट करो, प्रोविजन में डाल के रखो. प्रोविजन इज वॉट? लाइबिलिटी. ये याद रखने का. प्रोविजन इज वॉट? ये कैसी लाइबिलिटी है? किसी को देनी नहीं है बट एसेट से कम पैसा मिलेगा. ये लाइबिलिटी किसी को पे नहीं करते हो लेकिन एसेट से कम पैसा मिले. पे करोगे तो कैश घटता है, पे करोगे तो कैश घटता है ना. इधर कोई और एसेट घटेगा, इधर कोई और एसेट घटेगा, डेटर घटेगा या इन्वेस्टमेंट घटेगा. नाउ फर्स्ट ईयर ये दो आइटम्स क्लियर, बैड डेट टू डेटर सीधा चला गया पीएनएल में और लॉस बनाया पीएनएल टू आरडीडी. सो कैन यू टेल मी फर्स्ट ईयर का टोटल लॉस कितना है? फर्स्ट ईयर का टोटल लॉस इज 12,000. ये समझा? अभी सेकेंड ईयर पे हम, नाउ वी आर इन द सेकेंड ईयर. दिस वॉज ईयर वन, दिस इज ईयर टू. अभी सेकेंड ईयर में ऑलरेडी देयर इज एनआरडीडी ऑफ 7, राइट? नाउ बैड डेट्स अकर्ड. हाउ मच? कितने का बैड डेट्स हुआ सेकेंड ईयर? 8,000 का बैड डेट्स हुआ. एक्सपेक्ट किया था 7 लेकिन हो गया 8. वही साल कंटिन्यू करे, वही साल कंटिन्यू. हाँ वही कंटिन्यूड ही है. ये 99 है, ये 2,000 कंटिन्यू किया. ओके, तो एफबीडी टू डेटर
कितना होएगा मेरा बैड डेट्स कितने का एट का हुआ तो FBD टू डेटर इट इज एट लॉस तो एट का हुआ सर FBD क्यों अनरिकॉर्डेड रिकॉर्ड कर दिया तो FBD टू डेटर नाउ FBD टू डेटर इज हियर बिकॉज़ इट इज अंडर नाउ अभी विल दिस एट एंटायरली गो टू पीएल नेक्स्ट ईयर के लिए एनआरडीडी क्रिएट किया अभी नेक्स्ट ईयर का बैड डेट्स हुआ एट नेक्स्ट ईयर का बैड डेट्स हुआ एट तो एफबीडी टू डेटर विल बी एट अभी सपोज एनआरडीडी नहीं होता तो दिस एंटायर FBD वुड हैव गॉन टू PNL फुल एट का लॉस PNL को लेना पड़ता है ना नॉर्मल लॉस के जैसे दिस फुल लॉस वुड हैव गॉन टू PNL देखो नहीं समझ में आ रहा तो यू लीव द क्लास डोंट डू मॉकरी टाइम पास नहीं चालू है इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू पे डबल अटेंशन हंसने वसने में टाइम गवाएगा तो और नहीं आने वाला और मजाक में उड़ जाएगा फिर मार्क्स भी मजाक में आने वाला अगर नेक्स्ट ईयर देर वॉज नो एनआरडीडी सो एफबीडी वुड हैव बीन ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू पीएनएल फुल्ली तो दिस ईयर का लॉस 5 नेक्स्ट ईयर का लॉस 8 बराबर बट वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ रिजर्व इन द लास्ट ईयर ऑफ हाउ मच 7,000 टू अब्सॉर्ब दिस बैड डेट्स सो नाउ बैड डेट्स वोंट गो डायरेक्टली टू पीएनएल बेसिकली अगर पीएनएल में जाता ना तो ये एंट्री होता पीएनएल टू एफबीडी ये ट्रांसफर एंट्री होता 8,000 का अगर एनआरडीडी नहीं होता तो दिस एंटायर 8,000 वुड हैव गॉन टू पीएनएल बट सिंस देयर इज एनआरडीडी आई विल पास एन एंट्री लाइक दिस एनआरडीडी टू एफबीडी दैट विल बी 7,000 एनआरडीडी टू एफबीडी विल बी 7,000 नॉट पीएनएल टू एफबीडी बट NRDD to FBD. Shanti, basic, let me explain please. NRDD to FBD will be 7,000. What is this NRDD to FBD? ये जो reserve मैंने credit करके रखा था ना profit का छोटा सा हिस्सा उसको मैंने zero कर दिया और loss पूरा इसमें डाल दिया तो NRDD में भी एक भी रुपया बचा नहीं है लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से 7,000 का प्रॉफिट पड़ा था ना वो प्रॉफिट को मैंने लॉस डाल के नलिफाई कर दिया सो एनआरडीडी डेबिट हुआ नलिफाइड एंड एफबीडी क्रेडिट हुआ पीएनएल के थ्रू नहीं हुआ एनआरडीडी के थ्रू हुआ एनआरडीडी कट करके देखोगे ना तो पीएनएल टू एफबीडी है 7,000 नेट एंट्री यही है 8 नहीं है 7 अभी तक 7 अब्सॉर्ब किया क्यों 7 ही अब्सॉर्ब किया 8 क्यों नहीं किया समझ में आया कुछ क्योंकि एनआरडीडी कितना था 7 ही था और एक्स्ट्रा लॉस कितना है दैट विल गो टू पीएनएल तो पीएनएल टू एफबीडी विल बी 1,000 पीएनएल टू एफबीडी विल बी 1,000 ऐसे अब्सॉर्ब होता है लॉस तो अभी पीएनएल को झटका कितने का लगा सिर्फ एक का क्योंकि लास्ट ईयर ही उसने 7 का झटका खा लिया लास्ट ईयर ही पीएनएल ने 7,000 का लॉस खा लिया तो अभी कितने का लॉस आया पीएनएल के हिस्से 1 बाकी 7 कौन अब्सॉर्ब करके गया एनआरडी अभी कुछ बेटर अभी इस साल का तो सब लॉस वगैरह हो गया बैड डेट्स ट्रांसफर कर लिया अभी मेरे को लगता है नेक्स्ट ईयर देर विल बी अ बैड डेट्स ऑफ 9,000 नेक्स्ट ईयर देर विल बी अ बैड डेट्स ऑफ तो अगेन आई हैव टू क्रिएट अ रिजर्व अगेन आई हैव टू क्रिएट अ रिजर्व ऑफ हाउ मच 9,000 तो इस साल के एंड में आई क्रिएट अ रिजर्व पीएनएल टू एनआरडी दिस ईयर के एंड में आई क्रिएट अ रिजर्व ऑफ 9,000 सेकेंड ईयर के एंड में तो पीएनएल ने यही साल 9 का लॉस ले लिया दिखा लिया अभी नेक्स्ट ईयर बैड डेट्स हुआ नेक्स्ट ईयर बैड डेट्स हुआ सपोज 8,000 नेक्स्ट ईयर बैड डेट्स हुआ कितने का 8,000 का मैंने कितना सोचा था कितना होएगा
नाइन, लेकिन हुआ एट. आई थॉट नाइन होएगा लेकिन हुआ एट. यू टेल मी, विल दिस एट डायरेक्टली गो टू पीएल? नो. वाय? प्रोविजन है बीच में अब्सॉर्ब करने के लिए. कितने का है? नाइन. तो कैन आई से फुल लॉस कैन बी अब्सॉर्ब? यस. तो व्हाट विल बी माय एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग एफबीडी? इट वोंट बी पीएनएल टू एफबीडी, इट विल बी एनआरडीडी टू एफबीडी. एनआरडीडी टू एफबीडी हाउ मच? फुल लॉस 8000. अभी पूरा एट चला गया, अभी भी एक्स्ट्रा पैसा किसमें पड़ा हुआ है? एनआरडीडी में पड़ा हुआ है. कितना एक्स्ट्रा है? लॉस नहीं है, इट्स लाइक अ गेन. अपना ही प्रॉफिट छोटा सा पड़ा हुआ है ना. तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्रिएट करते वक्त प्रॉफिट घटा के एनआरडीडी में ट्रांसफर किया था ना, अभी बचा हुआ वापस पीएनएल में डाल देते हैं. तो वी पास लाइक दिस, एनआरडीडी टू पीएनएल 1000. 1000 उठा के बाल्टी वापस डाल दिया उसमें. इधर क्या किया, पीएनएल में से निकाला, एनआरडीडी में डाला. पीएनएल घटा ना, लॉस हुआ, और किसमें डाला? एनआरडीडी में. कितना? नाइन. उसमें से एट तो एफबीडी को राइट ऑफ करने में चला गया, बचा कितना? वन. उसको हम क्या करते वापस पीएनएल में ट्रांसफर कर देते. कितना? 1000. ओके, थोड़ा रोबोटिक सिस्टम है, बट सिस्टम गोज लाइक दिस वन. अभी इसका नेक्स्ट ईयर आई एम एंटीसिपेटिंग अ बैड डेट्स ऑफ 10000. इसका नेक्स्ट ईयर आई एम एंटीसिपेटिंग अ बैड डेट्स ऑफ, तो मैं कितने का रिजर्व क्रिएट करेगा? 10 का. तो वापस पीएनएल में से निकालेगा, एनआरडीडी में डालेगा. कितना डालेगा? 10000. उसी में डाला 1, उसी में से निकाला 10. एक्चुअली क्या निकालने का था मेरे को? 9. बट वो करते नहीं, हम लोग ऐसे ही करते, पहले डाल देते और फिर निकाल देते. ओके, बोल. उससे थोड़ा ज्यादा अमाउंट रखते एंटीसिपेटेड. देखो, एंटीसिपेटेड से थोड़ा ज्यादा ही रखते एस्टिमेट से. मेरे को लगता है बैड डेट 7 का रहेगा, तो मैं 8 का क्रिएट करेगा. बट हो गया 9 का बैड डेट. समझ रहे? प्रैक्टिकली तुम्हारा जितना बैड डेट रहेगा 100, 200, 500, 1000, उससे ज्यादा ही रखने का. बट एक्चुअल बैड डेट में डिफर, एक्चुअली जो बैड डेट हुआ वो मेरे को मालूम नहीं है ना, वो इससे भी ज्यादा हो सकता है, जितना रखा है उससे भी ज्यादा हो सकता है, या कम भी हो सकता है. नेवर. तो मैंने दोनों एग्जाम्पल इधर लिया मैं. इस केस में अपना एंटीसिपेशन से बैड डेट्स ज्यादा हो गया था, और इस केस में अपना एंटीसिपेशन से बैड डेट्स कम हो गया था. दोनों केस समझ रहे हैं दिमाग पक्का? अभी आरडीडी का अकाउंट देखो यहाँ पे, दिस इज द लेजर अकाउंट ऑफ आरडीडी. ओके, आरडीडी अकाउंट कैसा दिखेगा? दिस इज आरडीडी अकाउंट. एकदम ध्यान से देखना. देखो, फर्स्ट ईयर पे दिस इज ईयर 1, दिस इज ईयर 2, दिस इज ईयर 3. ओके, वी आर जस्ट पोस्टिंग द एंट्रीज. ईयर 1, व्हाट वाज द एंट्री? एफबीडी टू डेटर्स. वाज देयर एनी एनआरडीडी इन ईयर 1? पहले मतलब पिछले साल का कुछ आरडीडी था ईयर 1 में? पिछले साल का कुछ आरडीडी था ये लॉस अब्सॉर्ब करने के लिए. तो दिस एंटायर एफबीडी माइट हैव गॉन टू व्हाट? पीएनएल. तो पीएनएल टू एफबीडी गया रहेगा ये, फुल लॉस गॉन. अच्छा, नाउ पीएनएल टू एनआरडीडी एंट्री मारा, कब मारा? ईयर 1 में. तो ईयर 1 में आरडीडी अकाउंट वुड शो लाइक दिस. दिस इज आरडीडी, आई एम राइटिंग आरडीडी नॉट एनआरडीडी. ओके, इधर मैंने क्या मारा? पीएनएल टू एनआरडी. तो एनआरडीडी में क्या आएगा? बाय पीएनएल कितना? 7000 करस्पॉन्डिंग एंट्री. पीएनएल में 2 एनआरडीडी और एनआरडीडी में बाय पीएनएल, बराबर. और ये लाइबिलिटी है तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा 2 बैलेंस सीडी 7000. बट आई टोल्ड यू इंस्टेड ऑफ शोइंग इट ऑन लाइबिलिटी साइड यू विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम डेटर्स. नाउ ये 2 बैलेंस सीडी सेकेंड ईयर, दिस इज ईयर 2. ईयर 2 में बनेगा बाय बैलेंस बीडी 7000. नाउ वी आर इन ईयर 2. लुक एट ईयर 2. एफबीडी टू डेटर्स कैसे करोगे पोस्टिंग? एफबीडी में टू डेटर्स, डेटर्स में बाय एफबीडी. एफबीडी जाएगा ये राइट.
एफबीडी तो बैड डेट्स हुआ, बैड डेट्स की एंट्री क्या, बैड डेट्स टू डेटर्स, तो एफबीडी में टू डेटर्स और डेटर्स में बाय एफबीडी, बराबर। उसके बाद क्या आएगा, एनआरडीडी टू एफबीडी है, एनआरडीडी टू एफबीडी, हाउ डू यू पोस्ट इट, आरडीडी में ही आई राइट टू एफबीडी, ओके। अभी कंफ्यूज मत होना, जो इधर आरडीडी है ना, वो जब हम क्रिएट करते हैं ना नया, उसको बोलते हैं एनआरडीडी, और जब पिछले साल से टपका हुआ आरडीडी आता है ना, तो उसको बोलते हैं ओआरडी, ओल्ड आरडी। ये एन और ओ कोई अलग अकाउंट नहीं है, एक ही अकाउंट है आरडीडी। अरे बैठेंगे, सिर्फ आरडीडी लिखा नहीं चलेगा, सिर्फ आरडीडी लिखा तो नहीं चलेगा, प्रॉब्लम में दोनों लिखना पड़ेगा, एन और ओ। एन क्या है, ओ क्या है, वो समझ रहे हैं, एन मतलब इस साल तुमने क्रिएट किया हुआ है, और ओ मतलब लास्ट ईयर से आया हुआ। तो यहां पर फर्स्ट ईयर में जो क्रिएट किया दैट इज एन, एनआरडी, और लास्ट ईयर से जो मैंने यहां पे राइट ऑफ करने के लिए यूज कर रहा हूं, आई नेम इट एज ओ, बट अकाउंट सेम है, लेजर वही है, आरडीडी अकाउंट ही है। अभी एफबीडी टू डेटर्स है, इसका कोई इफेक्ट यहां पे नहीं दिखेगा, एफबीडी में टू डेटर्स, डेटर्स में आए बाय एफबीडी। अच्छा, इसका क्या एंट्री है, ओआरडीडी टू एफबीडी, ये क्या एंट्री है, समझ में आया, एफबीडी का लॉस है, रिटर्न इट ऑफ। अभी लाइव पोस्ट आरडीडी में टू एफबीडी कितना, सेवन, एन एफबीडी में बाय आरडी, अंडरस्टूड। उसके बाद आई हैव रिटर्न दिस पीएनएल टू एफबीडी, विल इट अपीयर इन आरडीडी अकाउंट, नो। ये क्या है, ये एंट्री समझा, पीएनएल टू एफबीडी ज्यादा वाला एक्स्ट्रा लॉस जो पीएनएल के गले पे गया, समझ रहे, हेलो, एक्स्ट्रा 1000 का लॉस दैट वेंट टू पीएनएल। उसके बाद व्हाट इज द एंट्री, पीएनएल टू एनआरडीडी, तो दिस इज व्हाट, अगेन नेक्स्ट ईयर के एंटीसिपेशन का क्रिएट किया, शुड आई राइट एन और ओ, क्रिएट अ न्यू वन, इट इज एन, ऊपर से टपका हुआ लास्ट ईयर का, इट इज ओ, सो पीएनएल टू एनआरडी, तो पीएनएल में टू एनआरडीडी, आरडीडी में बाय पीएनएल कितना, 9000। अब ये बंद करने का, तो इधर आएगा टू बैलेंस सीडी 9000, ये बंद हो गया, ये थर्ड ईयर, दिस इज द थर्ड ईयर आरडीडी अकाउंट, दिस इज द थर्ड ईयर आरडीडी अकाउंट, क्या होएगा ये, टू बैलेंस सीडी विल बिकम बाय बैलेंस बीडी, हाउ मच, 9000। थर्ड ईयर में क्या हुआ, कितने का बैड डेट हुआ, 8000, तो पहले आएगा ये एंट्री, एफबीडी टू डेटर्स 8000। विल यू हैव एनी इफेक्ट ऑफ एफबीडी इन एनआरडीडी ओवर हियर, एफबीडी टू डेटर्स का, जैसे यहाँ पे पास किया ना एफबीडी टू डेटर्स, आगे एफबीडी टू डेटर्स 8000 बैड डेट टू। अभी 8000 का बैड डेट हुआ तो आई थिंक फुल विल बी अब्सॉर्ब बाय एनआरडीडी, सो व्हाट इज द ट्रांसफर, एनआरडीडी टू एफबीडी या ओआरडीडी टू एफबीडी, अभी वो हो जाएगा, ये ऊपर से टपका हुआ है, ये ओ एन का फर्क समझ में आ रहा है, नया क्रिएट किया वो एन, और जो राइट ऑफ के लिए यूज हो रहा है वो ओ, ओआरडीडी टू एफबीडी, तो ओआरडीडी में आएगा टू एफबीडी, हाउ मच, 8000, अंडरस्टूड और नो, फुल 8 गॉट अब्सॉर्ब्ड, फुल 8 गॉट अब्सॉर्ब, क्योंकि बैड डेट्स कितना हुआ था 8 और आरडीडी था अपना 9, तो कहने से इसमें 1000 बचा है, क्या किया मैंने वो 1000 का पीएनएल में डाल दिया, तो क्या एंट्री मारा इधर, एनआरडीडी टू पीएनएल, शुड इट बी एनआरडीडी टू पीएनएल और ओआरडीडी टू पीएनएल, परफेक्ट, नया क्रिएट नहीं किया, ऊपर से आया हुआ है, ओआरडीडी टू पीएनएल, तो इसमें डाल देगा मैं टू पीएनएल 1000, करेक्ट। फिर क्या किया, नया वापस क्रिएट किया 10 का, एंट्री क्या, पीएनएल टू एनआरडीडी, एनआरडीडी में ये एनआरडीडी बराबर है कि होगी, एनआरडी, तो एनआरडीडी में आएगा बाय पीएनएल कितना, 10000, एंड फिर क्लोज होएगा, ये आएगा टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी विल बी 19-9, 10, इज दिस क्लियर, दैट्स हाउ द साइकिल कंटिन्यूज कंटिन्यूज कंटिन्यूज,
And this cycle is not only applicable to bad debts ka loss. Bad debts is a loss because debtors are not paying. Like that, any asset may reduce in value. Any asset may reduce in value. Investments may reduce in value. Stock may reduce in value. Furniture might get reduced in value. Any other asset. And is debris to judge kar hi rahe ho. Kuch sudden loss ka chance hai. Tumhe lagta hai ki loss hai. To sab kisi bhi loss ke liye yehi provision ka cycle chalta hai. Aur same tarike se chalta hai. Anticipated loss hai. To create a provision. Anticipated loss hai to create a provision. What is the entry for creating a provision? P&L to provision. P&L to provision. And then when that loss occurs, it won't go directly to P&L. It will first go to provision. And balance loss goes to P&L. Balance loss, upar ka loss goes to P&L. And if your loss is less than your provision. If your loss is less than your provision, iska matlab samjha? Reserve zyada hai aur loss kam hai, to pura loss will be absorbed by the reserve. And excess reserve will go to P&L in the form of gain. Again, new provision. So P&L to reserve. That's how the cycle. Cycle samjha? Ki nahi? Isme kuch nahi samjha, abhi wapas poochho. RDD, ORDD, NRDD, loss, absorb, kam, jada. This is the concept. Adjustment karwayega na, tum bolega bahut chindi hai. Ye kya itna samjha? Sir, last month start mein the FBD to debtors aayega. FBD to debtors aayega. Isse pata chalega ki loss kitna hoga. Loss aur bad debts. FBD to bad debts hi hai na. Wo to actual bad debts ka entry hota hai. Beech mein sir. Ye hai na. Ye to is saal mein beech mein agar bad debts recover ho gaya to. Dekho recovery ka isse kuch lena dena hi nahi. Recovery is what new fresh income. You weren't expecting anything from that debtor. It's like a lottery for you. So that's why we showed another new account, income. Bad debts recovers. But sir, hum log thodi soch ke baitha tha ki aayega. To ye alag loss alag aur wo profit alag. Wo profit alag, wo income alag. Aaya to aaya. Generally wo recovery hota hi nahi hai. Sir, provision banaya aur to hota hai, wo deta nahi hai paisa. Recovery ka to tumko theory mein, practically koi recovery jaisa cheez hi nahi. प्रोविजन बनाया और कुछ लॉस नहीं हुआ. सॉरी, प्रोविजन बनाया और लॉस नहीं हुआ. हाँ तो क्या होगा? हाँ, मैं 8000 का प्रोविजन बनाया और एक रुपया भी लॉस नहीं हुआ. पूरा का पूरा आरडीडी रुपया पूरा डाल देगा वापस. लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है. नहीं है. जब भी हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो इट इज 90-95% ऑफ द लॉस अप्रोक्सीमेट. उतना तो होता ही है. अभी समझ आएगा ये वाला. अभी प्रॉब्लम में इसके इफेक्ट्स दे